चलिए एक्सरसाइज 4.5 का तो क्वेश्चन नंबर है 12, उसके दोनों पार्ट देखते हैं, फैक्टराइज करना है। अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं पहले 2 कॉमन निकाल रहा हूं। यहां कितना बचा देखिए, 125 a माइनस b का होल क्यूब और प्लस का 1। अब देखिए किस तरह से इसे लिखा जा सकता है। 125 को लिख सकता है 5 की पावर 3, a माइनस b का होल पावर 3 लिखा हुआ है, और 1 को लिख दिया 1 की पावर 3। और फायदा देखिए क्या हो गया हमारे पास, इसको एक साथ लिख सकते हैं 5 a माइनस 5 b का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब, मतलब तो x क्यूब प्लस y क्यूब, तो x क्यूब प्लस y क्यूब आइडेंटिटी लगा देते हैं, तो x क्यूब प्लस y क्यूब आइडेंटिटी हो गई, x प्लस y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, जिसमें x क्या डिनोट कर रहा है, पहला टर्म जिस पे क्यूब लग रहा है, तो पहला टर्म जिस पे क्यूब लग रहा है 5 a माइनस 5 b, और y क्या है, दूसरा टर्म जिस पे क्यूब लग रहा है 1। अब जो क्वेश्चन देखो किस तरह का है, दो टर्म्स के बीच में प्लस है, दो टर्म के बीच में प्लस, मतलब जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS जैसा है, तो वैल्यू में RHS में डाल देता हूं, ठीक है। 2 जो बाहर है वो बाहर रहने दीजिएगा, उसका कुछ नहीं करना। x plus y, 5a minus 5b और plus 1, x square मतलब 5a minus 5b का whole square plus y square मतलब 1 का square जो कि 1 होगा, minus x y, तो minus 1 into 5a minus का 5b, minus लग रहा है इसे bracket लगाना जरूरी था, ठीक है। अब क्या रह गया, इस 5a minus 5b का whole square खुला रह गया, और term पूरे आ जाएगा, copy करना है आपको, तो 5a minus का 5b plus का 1, चलिए बोलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर, क्यों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab आ गया था 2 a और b, तो ये आ गया 2 5 से 10, 10 5 15, 50 ab, तो माइनस का 50 ab प्लस 1 माइनस का 5a और प्लस का 5b। अब कुछ रीअरेंज हो सकता है, नहीं कुछ भी रीअरेंज नहीं हो सकता, कोई लाइक टर्म है ही नहीं यहां पर, अपना आंसर आप यही छोड़ सकते हैं, फिनिश हुआ है वाला पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, चार टर्म दिया हुआ है, तो पहले दो और अगले दो में से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले दो में से कॉमन मुझे दिख रहा है 8 और x क्यूब, 8 और 32 में से तो 8 कॉमन आ ही जाएगा, x क्यूब पूरा बाहर आ गया, यहाँ ए स्क्वायर है यहाँ बी स्क्वायर है, तो वो तो बाहर आ नहीं सकता, तो बचा क्या देखो 4a स्क्वायर माइनस का 8 बाहर है, x क्यूब बाहर है, बी स्क्वायर। चलिए अगले बस देखिए, न्यूमरेटर टर्म तो आने का, सिर्फ y क्यूब बाहर आ रहा है ब्रैकेट, तो क्या बचा 4a स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो ये आएगा। अब इस माइनस साइन में कौन सा साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाए, माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, अब b स्क्वायर y क्यूब बाहर है, b स्क्वायर के अंदर, अब जरा ब्रैकेट देखना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लिखे, निकाल लो ये बाहर, तो 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर पूरा ब्रैकेट बाहर आया, बचा क्या, बचा 8x क्यूब माइनस का वाई क्यूब। चेक करो क्या इनमें फिर से कोई एंटिटी लग सकती है, तो चेक करो, मैंने इसको लिखा 2a का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट में लग सकता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, जबकि दूसरे ब्रैकेट की बात करूं तो ये लिखा हुआ है 2x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब, और दूसरे ब्रैकेट में लग सकता है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो लगाओ पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में, तो एंटिटी होती है a प्लस b इनटू a माइनस b, लग गई एंटिटी। अब दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो होती है ए माइनस बी, ये लीजिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब प्लस का 2xy, बस आ गया, कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है, आपका जो सलूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।